हमारी एक छोटे भाई हैं, अपने तो नहीं रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी में छोटे भाई के एक बहू हैं, तो जमात के काम से भी माशाल्लाह लगे हुए हैं लोग बहुत अच्छे तरीके से। वो एक ख्वाब हमको बंगला में शेयर की है, बंगला में तो हम भेज नहीं सकते आपको, उसका लब्बो लबाब उर्दू में ही है कि उसने ज़ियारत की जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको देखने में ही लगा कि आप बहुत पतले दुबले हो गए हैं, तबीयत आपकी नासाज है और आपके जिस्म काला पड़ रहा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पीठ मुबारक खोल करके दिखाया कि देखो सब काला हो रहा है। तो वो बहुत डरी हुई है, हमको पूछ रही थी कि ये क्या हमारे गुनाह की नौसत की वजह से है ऐसा ख्वाब या क्या है, इसका माने जरा बताइए। जाहिर उम्मत के हालात का रंजो गम है। जी जी जी, उम्मत के हालात जो है बड़े संगीन चल रहे हैं, इंतजाम जो है वो सिर्फ फलस्तीन ही का नहीं बल्कि और जगह का हालात ऐसे ही है, तो उसका रंजो गम है। ठीक है, रंजो गम है, हमको भी लग रहा था ही, उनका हजरत से पूछ रहे हैं। तो वो इसमें इशारा भी है कि आप पूरा संगम जब इतने फिक्रमंद और रंजीदा है तो उम्मत को भी चाहिए उम्मत इसकी फिक्र करे, इसके लिए जहाँ तक हो सके मसलन नमाज पढ़ कर दुआ करे, तस्बीहात पढ़ के दुआ करे, सदकात करके दुआ करे, आमाल का एहतमाम करे, यानी पूरे फिक्र करे जी जी, सर के साथ दुआ में लगे जी। ये है मकसद खाद दिखाने और ये तीर दिखाने का जी जी। अब जाहिर बात है कि आप दुआओं से होगा क्योंकि आप तो नबी को पढ़ना है, ये जी जी ऐसी की जिम्मेदारी है नबी के जाने के बाद, और जब ये होगा तो नबी के को खुशी होगी, हालात दुरुस्त होंगे जी।